अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज हम C++ पैटर्न प्रोग्राम की सीरीज़ में एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज की वीडियो में हम C++ पैटर्न प्रोग्राम में डायमंड शेप का पैटर्न प्रिंट करवाएंगे। तो फ्रेंड्स, आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम कुछ इस तरह का पैटर्न प्रिंट करवाएंगे। ये है हमारा डायमंड स्टार शेप का पैटर्न। तो फ्रेंड्स, हम इस पैटर्न को प्रिंट करवाएंगे यूजिंग फॉर लूप। तो फ्रेंड्स, इस पैटर्न को प्रिंट करवाने के लिए सबसे पहले तो हम इस पैटर्न को टू पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। उसके बाद हम सबसे पहले हमारा ये वाला पार्ट प्रिंट करवाएंगे और उसके बाद ये वाला पार्ट प्रिंट करवाएंगे। तो फ्रेंड्स, आइए देख लेते हैं कि हम किस तरीके से अपना फर्स्ट पार्ट प्रिंट करवाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस फर्स्ट पार्ट को प्रिंट करवाने के लिए हम छोटी सी ट्रिक अप्लाई करेंगे। ट्रिक ये है कि सबसे पहले तो हम इस फर्स्ट पार्ट को एक बॉक्स में पैक कर देंगे। उसके बाद अब हम इस बॉक्स को टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट है इस बॉक्स की रोज और सेकेंड पार्ट है इस बॉक्स के कॉलम्स। फ्रेंड्स, अब हमें यहाँ पर इस पैटर्न को प्रिंट करवाने के लिए हमें मालूम है कि हमें लूप का यूज़ करना पड़ेगा। तो हमें यह भी मालूम है कि हम इस पैटर्न के लिए फोर लूप का यूज़ करने वाले हैं। फ्रेंड्स, हमें यहाँ पर इस पैटर्न को प्रिंट करवाने के लिए 3 फोर लूप्स की नीड होगी। जो हमारा फर्स्ट फोर लूप होगा वो इसकी रोज को प्रिंट करवाएगा, यही है इसकी बेस। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड फोर लूप होगा वो इसकी स्पेस को प्रिंट करवाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पैटर्न में कुछ स्पेसेस हैं। तो जो हमारा सेकंड फोर लूप होगा ये हमारे इस स्पेसेस को प्रिंट करवाएगा, और ये जो सेकंड लूप होगा ये फर्स्ट लूप की बॉडी के अंदर होगा। जो हमारा रो वाला लूप है उसी लूप की बॉडी के अंदर हमारे पास स्पेसेस वाला लूप होगा, और इसी तरीके से हमारे जो थर्ड फोर लूप होगा वो इन स्टार्स को प्रिंट करवाएगा, और ये जो स्टार्स वाला लूप होगा ये भी रोज वाले लूप की बॉडी के अंदर होगा। तो फ्रेंड्स, आइए इसे देखने के लिए हम चलते हैं अपनी डेव C++ में और वहां पर देखेंगे कि हम इसे किस तरीके से प्रिंट करवाते हैं। सबसे पहले ये देख लीजिए कि हमारे पास इस पैटर्न के अंदर कितनी रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं। हमारे पास इस पैटर्न के अंदर 4 रोज हैं और 7 कॉलम्स हैं। तो फ्रेंड्स, आइए चलते हैं अपनी डेव C++ में। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपनी डेव C++ में और हमने यहाँ पर अपना पहले से ही बेसिक सिंटैक्स टाइप किया हुआ है। तो फ्रेंड्स, आइए पैटर्न को प्रिंट करवाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर 3 वेरिएबल्स लेते हैं। फर्स्ट वेरिएबल को नेम दे देते हैं रो, सेकंड वेरिएबल को नेम दे देते हैं स्पेस, और थर्ड वेरिएबल को नेम दे देते हैं कोलन। और इसी के साथ साथ अब हमें यहाँ पर एक लूप यूज़ करना पड़ेगा। लूप यूज़ करने से पहले हम यहाँ पर कमेंट आउट कर देते हैं। हम यहाँ पर कहते हैं फर्स्ट पैटर्न, और इसी के साथ साथ अब हमें यहाँ पर एक लूप यूज़ करना पड़ेगा जो कि इनके रोज को प्रिंट करवाएगा। तो हम यहाँ पर उसके लिए भी कमेंट आउट कर देते हैं लूप फॉर रोज, ताकि हमें अंडरस्टैंड करने में इजी हो, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर बहुत से लूप्स यूज़ होंगे। तो इसी वजह से हमने यहाँ पर इन्हें कमेंट आउट किया हुआ है। हम यहाँ पर कह देते हैं लूप फॉर रोज। उसके बाद अब हम यहाँ पर यूज़ करते हैं फॉर लूप का। उसके बाद अब हम यहाँ पर कहते हैं फॉर रो इक्वल्स टू 1, और उसके बाद अब हम यहाँ पर इस लूप को चलाएंगे 4 टाइम। तो हम यहाँ पर इसकी कंडीशन में कह देते हैं रो जो है वो लेस देन इक्वल्स टू हो 4 के, और उसके बाद आपने रो के अंदर 1 का इंक्रीमेंट कर देना है। तो इस तरीके से हमारा ये वाला लूप 4 टाइम चलेगा। तो आइए अब सी आउट करके देखते हैं और चेक करते हैं कि क्या ये हमारा लूप 4 टाइम चल रहा है और क्या ये हमारी रोज को प्रिंट करवा रहा है। तो आइए अब हम यहाँ पर इसे कंपाइल करके रन करते हैं। तो जैसे ही हमने यहाँ पर इसे कंपाइल करके रन किया तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर 4 रोज प्रिंट हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा रोज वाला लूप बिल्कुल ठीक वर्क कर रहा है। तो फ्रेंड्स, आइए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट लूप की तरफ। हमें मालूम है कि हमारा नेक्स्ट लूप होगा स्पेस वाला लूप, क्योंकि हमने देखा था कि हमारे पैटर्न के अंदर कुछ स्पेसिस थे। तो इसी वजह से हम यहाँ पर कमेंट आउट कर देते हैं। हम यहाँ पर कहते हैं लूप फॉर स्पेसिस। उसके बाद आइए अब चलते हैं अपनी स्लाइड्स में और देखते हैं कि हमारे पास स्पेसिस किस तरीके से प्रिंट हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप यहां पर स्लाइड्स के अंदर देख सकते हैं कि हमारे पास यहां पर फर्स्ट रो के अंदर 3 स्पेसेस हैं, सेकंड रो के अंदर 2 और थर्ड रो के अंदर 1। तो हमें यहां पर ऐसी कंडीशन यूज़ करनी पड़ेगी कि हमारे पास यहां पर फर्स्ट रो के अंदर 3 स्पेसेस हैं, सेकंड के अंदर 2, फिर 1। तो हम यहाँ पर कंडीशन में कहेंगे कि स्पेस जो है वो लेस देन इक्वल्स टू हो 4 माइनस रो के। फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे फर्स्ट रो का नंबर क्या है 1, और जब हम यहाँ पर 4 माइनस 1 करेंगे, क्योंकि हमें मालूम है कि हमारी रो है 1, तो हम जब हमारा 4 माइनस 1 होगा तो हमारे पास यहाँ पर 3 स्पेसेस प्रिंट होंगे। इसी तरीके से जब सेकंड लाइन आएगी उसके अंदर आप देख सकते हैं कि हमारी रो है 2, तो जब हम यहाँ पर 4 माइनस 2 होगा तो हमारा ये लूप चलेगा 2 टाइम्स। जब ये लूप 2 टाइम्स चलेगा तो हमारे पास यहाँ पर 2 स्पेसेस को प्रिंट करेगा, और इसी तरीके से हमारे पास थर्ड रो के अंदर जब हम करेंगे 4 माइनस रो तो हमारा होगा 4 माइनस 3, जब 4 माइनस 3 होगा तो आंसर आएगा 1। तो इस तरीके से हमारा ये वाला लूप 1 टाइम चलेगा और 1 स्पेस प्रिंट करेगा। और इसी तरीके से जब ये फोर्थ रो के लिए आएगा तो जब हमारा हो जाएगा
जाएगा 4-4 जो कि हो जाएगा 0, तो इस वजह से ये वाला लूप नहीं चलेगा। तो फ्रेंड्स हमें यहाँ पर कंडीशन में कहना पड़ेगा कि अगर स्पेस लेस देन इक्वल्स टू हो 4-रो के जब तक हमारा लूप चलता जाए। तो फ्रेंड्स आइए यहाँ पर ये कंडीशन भी अप्लाई कर देते हैं। तो फ्रेंड्स अब हमें यहाँ पर स्पेसिस के लिए लूप लेना पड़ेगा। जो स्पेसिस वाला लूप होगा ये रो वाले लूप की बॉडी के अंदर होगा। हम यहाँ पर कह देते हैं 4, उसके बाद अब हम यहाँ पर कहते हैं स्पेस इक्वल्स टू 1, उसके बाद अब हम यहाँ पर कंडीशन में कह देते हैं कि अगर स्पेस लेस देन इक्वल्स टू होगा 4-रो के जब तक ये हमारा लूप चलता जाना चाहिए। उसके बाद अब हम यहाँ पर स्पेस में 1 का इंक्रीमेंट कर देते हैं और आइए अब हम यहाँ पर इसे सी आउट करते हैं और चेक करते हैं कि क्या हमारा ये स्पेसिस को क्रिएट कर रहा है। तो आइए अब इसे कंपाइल करके रन करते हैं। तो फ्रेंड जैसे हमने यहाँ पर इसे कंपाइल करके रन किया तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास हमारे इस पैटर्न के अंदर फर्स्ट रो के अंदर 3 स्पेसिस क्रिएट हो रहे हैं, सेकंड रो के अंदर 2, फिर थर्ड रो के अंदर 1 और फिर फोर्थ रो के अंदर कोई स्पेस क्रिएट नहीं हो रहा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा स्पेसिस वाला लूप भी बिल्कुल ठीक वर्क कर रहा है। अब बारी आती है हमारे स्टार्स वाले लूप की। तो फ्रेंड्स आइए देख लेते हैं अपने पैटर्न में हम किस तरीके से अपने स्टार्स वाले लूप को चलाएंगे। तो फ्रेंड्स आप यहां पर हमारे पैटर्न में नोट करें तो हमारे पास फर्स्ट रो के अंदर 1 स्टार है, सेकंड रो के अंदर 3, फिर थर्ड रो के अंदर 5, फिर फोर्थ रो के अंदर 7। इसका मतलब ये है कि हमारे जो स्टार्स हैं उनका इंक्रीमेंट ओड नंबर के अंदर हो रहा है 1, 3, 5, 7। तो हमें यहां पर लूप चलाना पड़ेगा कोलन वाला, उसे इनिशियलाइज करवाना पड़ेगा 1 से। उसके बाद अब हम यहां पर इसके अंदर कंडीशन देंगे कि अगर रो मल्टीप्लाई बाय 2-1 हो जाए तो आपने जब तक लूप चलाना है। किस तरीके से आइए उसे भी समझ लेते हैं। हमारे पास यहां पर फर्स्ट रो के अंदर जो रो होगी वो होगी 1, जब हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 2, उसके बाद जब -1 करेंगे तो क्या आएगा आंसर 1। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहां पर फर्स्ट रो के अंदर 1 स्टार ही प्रिंट हो रहा है। तो इसके बाद अब हम उस लूप की बॉडी के अंदर कह देंगे कि आपने स्टार को प्रिंट कर देना है। इसी तरीके से आइए मूव करते हैं अपनी सेकंड रो की तरफ। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहां पर सेकंड रो का नंबर क्या है 2, और इसी तरीके से इसके अंदर पैटर्न कितने हैं 3। तो जब हम यहां पर 2 × 2 करेंगे आंसर कितना आएगा 4, और जब उसके बाद 1- करेंगे तो आंसर क्या आएगा 3। तो इस तरीके से हमारे पास यहां पर 3 स्टार्स प्रिंट होंगे। हमारे पास थर्ड रो का नंबर क्या है 3, इसके बाद हम 3 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे आंसर कितना आएगा 6, जब 6 को -1 करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आया 5। तो इसी वजह से हमारे पास यहां पर इस लूप के अंदर 5 स्टार्स प्रिंट हो रहा है। और कैसे हमारे पास ये कंडीशन 4 रो के लिए भी बिल्कुल ठीक है। तो हम यहां पर कंडीशन में कह देंगे कि अगर जो हमारे कोलन है वो लेस देन इक्वल्स टू हो रो मल्टीप्लाई बाय 2-1 के जब तक आपने स्टार्स को प्रिंट कर देना है। तो आइए देख लेते हैं इसे भी। तो अब हम यहाँ पर एक और लूप यूज़ करेंगे स्टार्स को प्रिंट करवाने के लिए। ये जो लूप होगा ये हमारा रोज वाले लूप की बॉडी के अंदर ही होगा। तो हम यहाँ पर इसे भी कमेंट आउट कर देते हैं। हम यहाँ पर कह देते हैं लूप फॉर प्रिंटिंग स्टार्स, ठीक है। तो आइए अब हम यहाँ पर फोर लूप यूज़ कर लेते हैं। हम कह देते हैं 4, उसके बाद अब हम यहाँ पर कह देते हैं कोलन इक्वल्स टू हो 1 के, और जो कोलन है वो लेस देन इक्वल्स टू हो रो मल्टीप्लाई बाय टू माइनस वन, और इसके बाद अब हम यहाँ पर कोलन के अंदर 1 का इंक्रीमेंट कर देते हैं। तो हम यहाँ पर कह देते हैं कोलन प्लस प्लस, उसके बाद अब हम यहाँ पर सी आउट कर देते हैं। हम यहाँ पर सिंपल सी आउट कर देते हैं स्टार्स को। तो आइए अब इसे कंपाइल करके रन करते हैं। तो जैसे ही हमने यहाँ पर इसे कंपाइल करके रन किया तो आप देख सकते हैं कि हमारा फर्स्ट पैटर्न बिल्कुल एक्यूरेट प्रिंट हो रहा है। आप देख सकते हैं कि हमारे पास फर्स्ट रो के अंदर 1 स्टार है, सेकंड रो के अंदर 3, फिर थर्ड रो के अंदर 5, फिर 7, और इसी तरीके से हमारे पास इस पैटर्न में 4 रोज हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे फर्स्ट पैटर्न का काम हो चुका है कम्प्लीट। तो फ्रेंड्स आइए मूव करते हैं अपने सेकेंड पैटर्न की तरफ। तो फ्रेंड्स हमारा सेकंड पैटर्न कुछ इस तरह का है। इसे भी प्रिंट करवाने के लिए हम सेम स्ट्रेटेजी अप्लाई करेंगे। सबसे पहले तो हम इस पैटर्न को एक बॉक्स में पैक करेंगे, उसके बाद हम बॉक्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट होगा इस बॉक्स की रोज और सेकंड पार्ट होगा इस बॉक्स के कॉलम्स। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम यहाँ पर इसकी रोज प्रिंट करवाएंगे। तो हम यहाँ पर इसकी रोज रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करवाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट है, हमारे पास 3, फिर 2, फिर 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें यहाँ पर जो इसके रोज वाला लूप होगा उसे रिवर्स ऑर्डर में चलाना पड़ेगा। और इसी तरीके से हम यहाँ पर एक कॉलम वाला लूप लेंगे। जो कॉलम वाला लूप होगा वो रोज वाले लूप की बॉडी के अंदर होगा। और इसी तरीके से हमें यहाँ पर रोज वाले लूप की बॉडी के अंदर सबसे पहले स्पेसिस का लूप लेना पड़ेगा, और उसी के साथ साथ हमें यहाँ पर एक स्टार्स का लूप लेना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं रोज वाला लूप, उसके बाद हम देखेंगे स्पेसिस वाला लूप, और उसके बाद हम देखेंगे स्टार्स वाला लूप। तो फ्रेंड्स आइए सेकंड पैटर्न को प्रिंट करवाने के लिए हम यहाँ पर सेकंड पैटर्न की कुछ कोडिंग करते हैं। ये जो आपके
पास यहाँ पर कोडिंग शो हो रही है, ये है हमारी फर्स्ट पैटर्न की कोडिंग। हमने अपने फर्स्ट पैटर्न के अंदर सबसे पहले तो एक रो वाला लूप लिया था, हमने उस रो वाले लूप की बॉडी के अंदर दो लूप यूज़ किए थे। इसी तरीके से हम यहाँ पर सेकंड पैटर्न के लिए भी सबसे पहले एक रो वाला लूप लेंगे, उसके बाद अब हम रो वाले लूप की बॉडी के अंदर दो लूप लेंगे, जो कि एक लूप होगा वो हमारे स्पेसिस को प्रिंट करवाएगा और एक लूप होगा जो हमारे कॉलम्स को प्रिंट करवाएगा। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पर कमिट आउट कर देते हैं, हम यहाँ पर कह देते हैं सेकेंड पैटर्न, और उसके बाद अब हम यहाँ पर कह देते हैं लूप फॉर रोज। आप इस बात का ख्याल कीजिएगा जो हमारा रो वाला लूप होगा ये इसका इस फॉर लूप से कोई ताल्लुक नहीं होगा, ये जो लूप होगा ये हमारे जो फर्स्ट फॉर लूप है रोज वाले उस लूप से बाहर होगा, इसी वजह से हम यहाँ पर कह देते हैं फॉर। उसके बाद अब हम अपने इस वेरिएबल को इनिशियलाइज करवाते हैं 3 से, क्योंकि हमें मालूम है कि जो हमारा लूप है वो रिवर्स ऑर्डर में चलेगा और हमें उस लूप को 3 टाइम्स चलाना है, तो इसी वजह से हमने कहा रो इक्वल्स टू 3। उसके बाद अब हम यहाँ पर कह देते हैं रो जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू है 1 के, और उसके बाद अब हम यहाँ पर रो में 1 का डिक्रीमेंट करते जाएंगे। तो आइए अब हम यहाँ पर सी आउट करके देखते हैं और चेक करते हैं कि क्या हमारा रोज वाला लूप क्या वाकई में ही 3 रोज को प्रिंट कर रहा है। तो आइए अब हम इसे कंपाइल करके रन करते हैं। तो फ्रेंड्स हमने जैसे ही यहाँ पर इसे कंपाइल करके रन किया तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर 3 रोज प्रिंट हो रही है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा रोज वाला लूप बिल्कुल ठीक वर्क कर रहा है। तो आइए अब मूव करते हैं अपने स्पेसिस वाले लूप की तरफ। तो स्पेसिस वाले लूप की तरफ मूव करने से पहले समझ लेते हैं कि हमारे पैटर्न में किस तरीके से स्पेसिस प्रिंट हो रहे हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर हमारे इस पैटर्न के अंदर रो नंबर 3 में 1 स्पेस है, उसी तरीके से रो नंबर 2 में 2 स्पेस हैं और रो नंबर 1 में 3 स्पेसेस हैं। तो फ्रेंड्स हमें यहाँ पर कंडीशन में कहना पड़ेगा कि जो हमारे स्पेस हैं वो लेस देन इक्वल्स टू हो 4 माइनस रो के, किस तरीके से आइए समझ लेते हैं। तो हमें मालूम है कि जो हमारे यहाँ पर जो रो है वो है रो नंबर 3, तो जब हम यहाँ पर 4 माइनस रो करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, हमारे पास आंसर आएगा 1। तो हमारे पास यहाँ पर ये वाला लूप फर्स्ट टाइम चलेगा और एक स्पेस को प्रिंट करेगा। इसी तरीके से आइए अब देख लेते हैं सेकेंड रो में, तो हमारी जो सेकेंड रो है उसका नंबर क्या है 2, तो जब हम यहाँ पर 4 माइनस रो करेंगे तो हमारा 4 माइनस 2 कितना आंसर आएगा 2। इस तरीके से हमारा लूप चलेगा 2 टाइम्स, जब ये लूप 2 टाइम्स चलेगा तो हमारे पास यहाँ पर 2 स्पेसेस को प्रिंट करेगा। इसी तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो रो नंबर 1 है इसके अंदर हम अगर कहेंगे कि 4 माइनस रो, तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 माइनस 1, जब 4 माइनस 1 होगा तो ये हमारा लूप चलेगा 3 टाइम्स, जब लूप 3 टाइम्स चलेगा तो हमारे पास यहाँ पर 3 स्पेसेस को प्रिंट करेगा। तो फ्रेंड्स अब हमने यहाँ पर ये समझ लिया कि हमें यहाँ पर कंडीशन में कहना पड़ेगा कि जो स्पेस है वो लेस देन इक्वल्स टू हो 4 माइनस रो के, तो आपने लूप को चलाते जाना है। तो फ्रेंड्स आइए उसके लिए देख लेते हैं हम इसे भी। तो फ्रेंड्स अब हम स्पेसेस वाला लूप भी हमारे इस रो वाले लूप की बॉडी के अंदर लेंगे। तो हम यहाँ पर सबसे पहले तो इसे कह देते हैं कमिट आउट करके, हम यहाँ पर कह देते हैं लूप फॉर स्पेसेस, और उसके बाद अब हम यहाँ पर कह देते हैं फॉर। उसके बाद अब हम सबसे पहले तो स्पेस वाले जो वेरिएबल है उसको इनिशियलाइज करवाते हैं 1 से। उसके बाद अब हम यहाँ पर कंडीशन में कह देते हैं कि जो स्पेस है वो लेस देन इक्वल्स टू हो 4 माइनस रो के, अगर हमारे पास ये कंडीशन दुरुस्त हुई तो आपने स्पेस में 1 का इंक्रीमेंट करते जाना है। तो आइए अब हम यहाँ पर इसे सी आउट करते हैं, और सी आउट करने के बाद चेक करते हैं कि क्या ये हमारे स्पेसेस को प्रिंट कर रहा है। तो आइए अब इसे कंपाइल करके रन करते हैं। तो फ्रेंड जैसे हमने यहाँ पर इसे कंपाइल करके रन किया तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट रो के अंदर 1 स्पेस प्रिंट हो रहा है, फिर सेकंड रो के अंदर 2, फिर थर्ड रो के अंदर 3। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो स्पेसेस वाला लूप है वो बिल्कुल ठीक वर्क कर रहा है। फ्रेंड्स आइए मूव करते हैं अपने कोलन वाले लूप की तरफ जो कि हमारे स्टार्स को प्रिंट करेगा। तो फ्रेंड्स आप हमारे इस पैटर्न के अंदर देख सकते हैं कि हमारा जो रो नंबर 3 है उसके अंदर 5 स्टार्स प्रिंट हो रहे हैं, इसी तरीके से रो नंबर 2 के अंदर 3 स्टार्स और रो नंबर 1 के अंदर 1 स्टार। तो हमें यहाँ पर कंडीशन में कहना पड़ेगा कि 2 मल्टीप्लाई बाय रो माइनस 1 हो जब तक ये हमारा लूप चलता जाए। किस तरीके से मैं आपको अभी समझाता हूँ। जब हम यहाँ पर रो को मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, हमारे पास आंसर आएगा 6, और उसके बाद जब हम यहाँ पर इसे माइनस 1 करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 5। तो जब हमारे पास यहाँ पर 5 बचेगा तो हमारा ये वाला लूप चलेगा 5 टाइम, जब ये वाला लूप 5 टाइम चलेगा तो हमारे पास यहाँ पर 5 स्टार्स को प्रिंट करता जाएगा। इसी तरीके से अब आइए चलते हैं रो नंबर 2 में। जब रो नंबर 2 में जाएंगे तो जब हम इसे रो मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आएगा 4, जब उसके बाद हम माइनस 1 करेंगे तो कितना बचा, हमारे पास बचा 3। तो इस तरीके से हमारे पास ये वाला लूप 3 टाइम्स स्टार्स को प्रिंट करेगा। और आइए मूव करते हैं अपनी रो नंबर 1 में। रो नंबर 1 में जब हम कहेंगे कि 2 मल्टीप्लाई बाय रो तो आंसर क्या आएगा 2, उसके बाद जब हम माइनस 1 करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 1। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर ये वाला लूप एक मरतबा स्टार को प्रिंट कर देगा। तो फ्रेंड्स आइए चलते हैं अपनी C++ में और इस लूप को भी प्रिंट करवा लेते हैं।
तो फ्रेंड्स आइए अब हम यहाँ पर स्टार्स वाला लूप ले लेते हैं। तो हम यहाँ पर उसके लिए कमेंट आउट कर देते हैं, हम यहाँ पर कहते हैं लूप फॉर स्टार्स या पैटर्न। तो उस वजह से हमने यहाँ पर कह दिया लूप फॉर स्टार्स। उसके बाद अब हम यहाँ पर फॉर लूप में कह देते हैं फॉर। उसके बाद अब हम यहाँ पर कह देते हैं कोलन इक्वल्स टू हो वन के। उसके बाद अब हम यहाँ पर कंडीशन में कह देते हैं कि कोलन लेस देन इक्वल्स टू हो टू मल्टीप्लाई बाय रो माइनस वन। उसके बाद अब हम यहाँ पर इसके अंदर एक का इंक्रीमेंट करते जाएंगे, तो हम यहाँ पर कह देते हैं कोलन प्लस प्लस। तो आइए अब हम यहाँ पर सी आउट कर देते हैं। हम यहाँ पर सी आउट में सिंपल स्टार्स को प्रिंट कर देते हैं। तो आइए अब हम यहाँ पर इसे कंपाइल करके रन कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे हमने यहाँ पर इसे कंपाइल करके रन किया, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास बिल्कुल एक्यूरेट पैटर्न प्रिंट हो रहा है। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि हमने किस तरीके से डायमंड शेप का पैटर्न इतने इजीली प्रिंट करवा लिया कि। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ आई होगी। तो आपने देखा कि आज की वीडियो में हमने किस तरीके से अपने पैटर्न को टू पार्ट्स में डिवाइड किया। टू पार्ट्स में पैटर्न को डिवाइड करने के बाद हमने इसे इजीली प्रिंट करवा लिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। बाय बाय।